ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है। वहाँ सो गई पत्थर पे, कोई ठंडी पकड़ा गई बदन में। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, दिस इज मी जुबी पॉश। आई होप्स ऑल्स आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज रात में बड़ी राहत है, सो कॉस पाक का अमल भी हमारे को पढ़ना है। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, वहाँ से कॉस पाक का अमल भी पढ़ेंगे हम। और मैं तो गांव में हूँ, और नॉट मेरे गांव में, कोल्हापुर के गांव इस्लामवाड़ी के गांव में हूँ। सो यहाँ तो पता नहीं चलेगा कि बारिश शरीफ एरिया की तरह रौनक। वहाँ तो आज रात में सब सजावट करेंगे, राइट? हाँ, और अगले दिन जुलूस निकलेगा। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ बस खाली इबादत करो, और इबादत ही करना चाहिए। गन्ने के झाड़ का, बट गन्ना कहाँ है? अरे मम्मी, वो भैंस लोग को खिलाने के लिए लेके आए आंटी चारा। आप ये क्या रहे, देखो लगे ले ना, जंगली भी रहते हैं और इसमें वो भी रहते हैं। अपन आए तो सुबह सुबह देखी नहीं आंटी, यहाँ बर्तन धोते ना, उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर भी घर कैसे बने हुए। अंडी का चटनी बनाते हैं। ये देखा आंगन कितना अच्छा था ये। हाँ, ये रूम रहता तो कितना अच्छा मिलता। बस अंडी का विला टाइप है। अंटी ना आंगन ज्यादा बड़ा नहीं रखे, और ये नीचे बैठे ला घर है ना। हाँ, तो यहाँ भी सब है, मेहमान लोग इधर भी रुके। हाँ, ये घर में ना, ये ब्लू वाले ना, नीचे वाले। यहाँ से भी रास्ता है मम्मी। हाँ, यहाँ से भी है। दो वॉशरूम है आंटी के घर में, तुम्हारे को पता है? बैक साइड भी एक इधर लगे रहे। क्या चीज का? छिलका पत्थर, इन्हें घर बना के लिए देखो, छिलका पत्थर रखे ले। क्या करने के लिए? चटनी। तो एक खड्डा क्यों है चटनी के लिए? तो इसमें पीसेगी। अच्छा समझी, लहसुन अपने पास तो है, वो है चटनी पूरा प्रॉपर लहसुन कूटने का है। आजकल के बच्चों को गाय सब आराम मिल गया है, सब पुराने जमाने वाले अभी भी रखे थे अपने घरों में। आजकल के बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है। देखो वॉशरूम तो देखो मम्मी, यहाँ के गैस पे नहीं पका रहे, लकड़ी पे पका रहे। इसका टेस्ट ही अलग आता है, लकड़ी का टेस्ट ही अलग। बट आंटी ने बम्बई की तरह किचन बनाया। यहाँ भी रूम है, अंकल का रूम है तो। हाँ, मैं वो रूम में देखी, अंदर में क्या होता है, आप चाहे जिन्हें घूमा होता है, जहाँ तुम वो बहुत से वीडियो को देख रहे हो, वो बहुत से समय में दिख रही। माँ, ये रूम में तो लाइट ही नहीं है, बहुत रूम है। इतने बड़े घर में अंकल ने बहुत रूम बनाए। वेलवेट की सो गाइस, यहाँ के रूम ऐसे रहते हैं। तो चावल रोटी का सामान किसी के ये करते, किसी के निकलते। अभी तेल पानी, अभी दूसरा सामान हम खरीदी करते, लेकिन लकड़ी खरीदी नहीं। गैस का अपना अभी गैस चला है, हम गैस के ऊपर अभी जा जाके तुम लोग लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के लेके आए। लकड़ी तोड़ के, कितना क्यूट है ना मम्मी, देखो मम्मी कितना क्यूट है ना। देखो पहले के टाइम पे देखो ऐसा रहता था, अभी तुम लोग ऐसा करने देगे तो करेंगे।
बोले मम्मी आग जलती है, सब फूंक मार के जलाना पड़ता है इसको। हाँ अरे मैं लेट हो गई। आंटी कैसा जला है? जला दी आंटी ने भी, वो गरम पानी हम लोग के लिए हो रहा है ना। पाइप रहता है, पाइप से फूंक मारने का, वो जर्मन का ने पाइप पड़ा है। अच्छा अच्छा, फूक मारते हैं जैसे अपन पेट्रोल डालते हैं ना, अपन तो पेट्रोल डालते हैं तो फट से जल जाता है। घासलेट डालते हैं। हाँ सॉरी पेट्रोल बोरी घासलेट सिगड़ी को कैसे अंगार देते हैं वैसा ही। पर इसका खाना एक नंबर बनता है, रोटी और खाना। आंटी दूध गर्म कर रहे ना? आंटी दूध गर्म कर रहे। By the way guys, यहाँ कोई होटल नहीं है ऐसी कि होटल में रुके हुए फिर दरगाह शरीफ जावे। यहाँ एक गांव है, गांव के अंदर दरगाह है, सो गांव वाले लोग ही सेवा करते हैं। गांव वाले लोग को भी कुछ नहीं देना पड़ता है, पैसा पानी लोग ही सब रुखाते। बट मैंने मम्मा को बोली, मम्मा थोड़ा हाथ में पैसा रख देना। सो ये समझना मन, इतना ऐसी वैसी घूमती है और ऐसे वैसे घर में भी है, जैसी जगह वैसी में एडजस्ट हो जाती जहाँ भी। सभी मैं वही खाना खाने जा रही हूँ भाई। सो गाइस मैंने थम्स अप ली बिकॉज बहुत गर्म हो रहा है मुझे, मम्मा को सबको। सो यहाँ से ऐसी स्टॉल्स लगी हुई रहती है, यहाँ से मैंने थम्स अप ली, जाती अभी मम्मा के पास। तो गाइस खाने के टाइम पे बहुत रश थी तो मैं वीडियो निकाल नहीं पाई फास्ट फास्ट खाना का, और हम दरगाह शरीफ में आ गए हैं। हाँ अमल पढ़ना है गौस पाक का, बिकॉज आज रात में बड़ी रात है बराबर। सो वही अभी पढ़ेंगे हम, फिर थोड़ा यहाँ वहाँ देखेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर रात में कवाली है। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कैसी सजावट हो रही है अंदर से दरगाह सज रही, बाहर से देन बलून सब लगा रहे। मैं बताती हूँ आप लोग, आप सब लोग को। सो गाइस यहाँ रात की तैयारी हो रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दरगाह शरीफ भी सज रही है फूल से पूरी अंदर बलून से। सो गाइस मैं शाम हो गई है, शाम हो के लोबान हो रहे, मगरिब का टाइम हो गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी रौनक थी, बिकॉज ये टाइम पे उरूस था उनका। सो सब बैठे थे उनके लिए, ऑलमोस्ट हम भी बैठे थे, मगरिब का टाइम हो रहा था, रौनक देख सकते हो। आज का
रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दुआ हो गई। दुआ होने के बाद अभी हम चाय पीने आए हैं। इधर देख सकते हो कि पूरा कैसा क्राउड है। पहले पब्लिक नहीं थी, पूरी पब्लिक आ गई है। सो गाइस, मैं वापस ये खाने आई हूँ। बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मुंबई से भी अच्छा था। मम्मा ने क्या खाए? फ्रूट। और मैंने क्या खा रही अभी है? यही खा खा के मैं मोटी हो जाऊंगी। क्या दुबली कब की? नहीं थोड़ी तो हूँ, थोड़ी तो हूँ ना, इतनी मोटी भी नहीं। मेले में आए एक बार खाएंगे ना, कौन सी मोटी हो जाएगी। वो भी बात है। सो गाइस, अंकल ने स्पेशली मुझे बड़ा बना के दिए, वो लड़की के हाथ में है। सब इतने छोटे छोटे है, इतने बड़े पेपर। सो गाइस, अभी मैं चाइनीज पकोड़े लेने जा रही हूँ। ये ले ली, इसके साथ शेजवान चटनी के साथ खाऊंगी चाइनीज पकोड़े भी और पटेटो भी। सो गाइस, मैंने चाइनीज पकोड़े खा ली, मम्मा ने अभी पाइनएप्पल जूस लिया, मैंने ये भी फिनिश कर दी। चाइनीज पकोड़े खाई और मेरे पूरे पर्स पे चटनी गिर गई। अम्मी पोची ना, देखो ना चिकना है अभी भी। अच्छा है तो फिर वो तुम पूरा पी लो, मेरे लिए अलग से बोल दो। हाँ बोलो, मैंगो लो। अच्छा है मैंगो अंकल? अरे वो नहीं, मैंगो अच्छा है ना, मैंगो भी मैंगो दे दो एक। सो गाइस, ये हजरत का रूम है इधर, नईम शाह बाबा उनका ये उरूस है। ठंडी लग रही है, वहाँ सो गई पत्थर पे, कोई ठंडी पकड़ा गई बदन में। वो तुम्हारा फेस दिख रहा ही था, संगे मरमर के पत्थर पे सो गई। अच्छा बुर्के कैसे बेच रहे दुबई के? जर्सी के कपड़े पता है, दुबई के नहीं है मुझे भी। गाइस, सब पढ़ लिया हमने, अमल जो पढ़ना था ग्यारहवीं शरीफ के लिए सब पढ़ लिया, नियाज मिल गई पढ़ के। गाइस हमने खाना भी खा लिए, मैंने क्या क्या खाई वो भी खाई, खाना भी खाई, सब एक साथ खा ली। भैया क्या करेंगे, बम्बई थोड़ी है मेरी माँ तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा भूख भी लगी थी अपने को। मैंने सबसे पहला सो रहा था, स्प्रिंग पोटैटो खाई, देन और क्या खाए, हाँ चाइनीज पकौड़े जूस पिए, नॉल, फिर लास्ट में खाना भी खाई मैंने। और ये गांव है यार, रात को कुछ नहीं मिलता है, टेमो टेम खाओ और अपना जाके सो जाओ। बट आज कहाँ सोने वाले अपन, अभी तो कवाली है गाइस। हाँ कवाली है, सो जागना है, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे को मलिक रेहान जाना है। सो अभी बाद में मिलती हूँ। बहुत 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 ठंड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ क्लाइमेट लाइक पूरा चेंज हो गया ऐसा, लाइक दिसंबर जनवरी वाला यहाँ क्लाइमेट लग रहा है। और अपने बम्बई में तो कितना गर्म है, बहुत ही अच्छी आबो हवा सब है गाइस, आबादी नहीं है इधर, छोटा सा गांव है, छोटा सा उसमें दरगाह शरीफ है। यहाँ आदमी लोग कैसा नहाने का बंदावा है, हमने तो रूम में ही नहाए थे, है ना मम्मी, जिसके घर में रुके उनके ही रूम में नहाए हम।
और ये मस्जिद है, यहाँ सब लाइक पूरे गांव में एक ही मस्जिद है, यही वाली जो दरगाह के पास है। पूरा बॉक्स के साथ में रखे, बोलते तो खोल डालते तो वजन कम हो जाता, खोल के अपन डाल। भूल भुलैया है यहाँ, पूरा पूरा जंगल है यहाँ। बाप रे बाप, गाइस गरीब नवाज से इनका बुलावा हो गया, हम लोग इधर आ गए गाइस। मम्मी कितना जंगल है। अच्छा अपन और नीचे नहीं रुके, हम ये जो घर सामने दिख रहा है उसके भी नीचे 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 घर है, जितना जाओ उतना घर है, सब अलग सबका पहाड़ पे अपनी अपनी जगह पे सब ऐसा घर बना है। इतनी सब लाइटें लगी हुई है, फोकस से लगी हुई है, 7 बजे के बाद अंधेरा ही हो जाता है। या पूरे गांव में और सब सो जाते, कोई एक शॉप भी नहीं है, किराने की भी शॉप नहीं है, ना चीज वाले की शॉप है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है इधर। वो तो उरू से तो इतनी सब कारें लगी हुई है सबकी, सब आए है। सो गाइस मैं जा रही हूँ अभी दरगाह शरीफ में वापस कवाली के लिए, फिर वहाँ से आके हम सोएंगे, देन अर्ली मॉर्निंग उठना है, 9 बजे में हम निकल जाएंगे यहाँ से रेहान मलिक के लिए नाश्ता करके, फिर वहाँ से उतरेंगे शाम में हम बस पकड़ के, देन मुंबई सैटरडे मॉर्निंग। गाइस हम कवाली से आ गए हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।